हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि आज 2 वर्षीय बीएड की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आप सभी ने देख लिया होगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है या नहीं मिली है। मैं लाइव भी आया था, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही अलॉटमेंट लिस्ट आएगी मैं लाइव आ जाऊँगा। फाइनली इतने समय इंतजार करने के बाद आज अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा रही है दोस्तों, आपने देखा है 4 वर्ष की तुलना में, जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड है उसकी तुलना में 2 वर्षीय बीएड की अगर हम कट ऑफ की बात करें, मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन हम एक बात करें कि भाई जो भी हमने एनालिसिस किया है, काफ़ी सारे बच्चे लाइव थे, सभी से मैंने पूछा, बीच बीच में मैंने पोल भी क्रिएट किए, तो उनसे एक आइडिया लग चुका है कि कितने नंबर तक कॉलेज बच्चों को मिली है, मेल्स को कितने पर मिली है, फीमेल को कितने पर मिली है, साइंस वालों को कितने नंबर पर मिली है, आर्ट्स वालों को कितने नंबर पर मिली है। कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो भी आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई है। सेकंड और थर्ड लिस्ट कब तक आ सकती है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अंदर कितने मार्क्स के जो है चांस बनते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आज 15 नवंबर है और आज जारी होनी थी, आ गई है, आपने देख लिया होगा। काफी सारे विद्यार्थियों को जो है कॉलेज मिल चुकी, मनपसंद कॉलेज मिल चुकी है। जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है वो अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अब जिनको मनपसंद कॉलेज मिल गई है उनका आगे का शेड्यूल क्या रहने वाला है, कब उनको फीस जमा करानी है, कब तक उनको जो है रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और ये बात मैं आपको बता देता हूं। तो पहली बात तो 15 नवंबर को आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आई है और 25 नवंबर तक आप अपनी जो बाकी की फीस है, जो 22,000 फीस है, वो जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको जमा करानी होगी, पोर्टल आ गया होगा, वेबसाइट पर आप जाके जमा करा सकते हैं। जो 22,000 बकाया फीस है वो आपको जमा करानी होगी। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपका यहाँ पर जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हुई है, तो आपकी एक मार्कशीट आई होगी और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कि भाई 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये सब यहाँ पर आपके लिखे होंगे। 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिखे होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए आपके पास में। और ये इसकी जो ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो है, एक सीट ओरिजिनल की होनी चाहिए, एक फोटोकॉपी की, ये आपको जो है रिपोर्टिंग करते समय जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको दिखाने के भाई ये हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये इसकी फोटोकॉपी है, फीस आप ऑनलाइन जमा करा ही देंगे। तो ये प्रोसेस आपको करनी है। इन दोनों प्रोसेस की, कि जो बाकी की 22,000 फीस है और जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो होंगे कॉलेज में रिपोर्टिंग टाइम, इन दोनों की जो डेट है वो 25 नवंबर तक है। हाँ, आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल 25 नवंबर डेट रहेगी। अब कट ऑफ कितनी रही है, जैसा कि हमने पूरा एनालिसिस किया, 300 से जिनके कम नंबर थे साइंस के अंदर, 300 से जिनके कम नंबर थे साइंस के अंदर वो किसी को भी कॉलेज नहीं मिली। 300 से कम नंबर थे उनको किसी को भी कॉलेज नहीं मिली है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, जनरल के हों, ओबीसी के हों, किसी को भी नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं 350 तक, 350 तक भी साइंस, अभी मैं फिलहाल साइंस की बात कर रहा हूँ, 350 तक भी मेल को, फीमेल को कॉलेज मिली थी। 300-350 में फीमेल को कॉलेज मिल गई है, क्योंकि उनकी सीट ज़्यादा होती है, ये बात आपसे मैंने पहले भी कहा था। बट जो 350 नंबर तक भी थे मेल के साइंस के अंदर, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो, उसको भी कॉलेज नहीं मिली है। चाहे कितनी भी कॉलेज भरी हो और राजस्थान पर क्लिक किया हो, फिर भी कॉलेज नहीं मिली है। मतलब 350 नंबर तक, यहाँ तक कि 360, 370, 380 और 390 तक भी काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कम कॉलेज भरी है और उनको कॉलेज नहीं मिली। काफ़ी बच्चों को इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कम कॉलेज भरी है, दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्होंने और राजस्थान पर क्लिक नहीं किया, तो उन्होंने जो भी कॉलेज भरी है 20-30 उनमें से उनको अलॉट नहीं हुई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। तो आप देख सकते हैं कि साइंस की कट ऑफ कितनी ज़्यादा रही है। हाँ, जिनके 400+ नंबर हैं उनको तो कॉलेज मिली है। हाँ, हो सकता है कि भाई पहली चॉइस नहीं मिली हो, दूसरी नहीं मिली हो, तीसरी मिली हो, चौथी मिली हो, बट 400+ वाले तो मैंने पहले कह दिया था आप लोग सेफ हो, आपको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगी, कोई सी भी कॉलेज मिले लेकिन मिल जाएगी और टॉप 10 में मिल जाएगी और वो मिली भी है। ठीक है, आर्ट्स की बात करें तो भाई आर्ट्स में तो लगभग सभी को कॉलेज मिल गई है जिनके 300+ नंबर थे, मेल हो चाहे फीमेल हो। हाँ, 300 से कम नंबर में जो फीमेल है उसी को आर्ट्स में कॉलेज मिलेगी, वो भी एससी एसटी कैटेगरी, जनरल ओबीसी के लिए आपको ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब बात कुल मिला के ये है कि साइंस में कॉलेज किसको मिली है, 400+ वालों को मिली है, इसके अलावा जिनके 400 के आसपास थे उनको भी कॉलेज मिल गई है। तो अब सेकंड लिस्ट जब जारी होगी, उसमें किस किस का नंबर आ सकता है, तो मैं बता देता हूं आपको भाई, 300 से जिनके कम नंबर थे वो तो बाहर हो चुके हैं, 350 से भी जिनके कम नंबर थे मेरे हिसाब से वो भी बाहर हो चुके हैं,
हो सकता है कि कैटेगरी पर डिपेंड करे, अगर एससी एसटी के हैं तो इसके आसपास आपके नंबर हैं 355 360 तो चांस बन सकता है दूसरी या तीसरी लिस्ट में। बाकी मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से पूरा फीडबैक आया है आप लोगों का, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कॉलेज मिलेगी। बाकी 360 370 380 390 नंबर है और आप किसी भी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जनरल, तो आप एक अभी मतलब रेस में है, आपको कॉलेज मिल सकती है। आप सेकंड और थर्ड लिस्ट का वेट कीजिएगा, ठीक है। और आपसे कोई ना कोई गलती हुई होगी, जैसे कि आपने कंप्लीट कॉलेज नहीं भरी या आपने ओल्ड राजस्थान पे क्लिक नहीं किया इसलिए आपको कॉलेज नहीं मिली। अब वापस काउंसलिंग कराने का मौका तो आपको नहीं मिलेगा। जो भी कॉलेज आपने भरी है उन्हीं में से सेकंड और थर्ड लिस्ट जब जारी होगी, अगर आपको मिलती है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना, बाकी की फीस जमा करा देना, नहीं तो फिर आपको अगली साल का वेट करना होगा, 2022 एंट्रेंस का आपको वेट करना होगा। तो ये कुछ अपडेट है। तो इस बार दो वर्षीय बीएड की कट ऑफ ज्यादा रही है। अगर हम पिछली साल की बात करें, उससे पिछली साल की बात करें तो जिनके 350 नंबर थे, 300 प्लस नंबर थे, उनको भी मिल गई थी कॉलेज। 160,000 सीट है बीएड के अंदर, आपको पता है कम नहीं होती है, बट इस बार नंबर काफी अच्छे थे, बच्चों ने मेहनत भी बहुत की थी, तो कट ऑफ इस बार ज्यादा रही है। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, काफी सारे बच्चे कॉमेंट करेंगे सर सेकेंड और थर्ड लिस्ट कब तक आएगी। तो आपको पता है कि भाई 15 नवंबर यानी आज पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई है। अब इनकी जो प्रक्रिया चलने वाली है वो 25 नवंबर तक चलने वाली है और मुझे पता है डेफिनेटली 5 या 10 दिन और बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 15 दिन बाद दूसरी लिस्ट जारी होगी। 15 दिन बाद यानी इस महीने के अंत तक दूसरी लिस्ट आपकी आ जाएगी। मैंने लास्ट सेशन में भी पूरा कवर किया था इसको, तो मैंने देखा था कि लगभग 15 दिन का समय तो लगता है एक ही और दूसरी लिस्ट में, ठीक है। तो दूसरी लिस्ट आपकी 15 दिन, फिर तीसरी लिस्ट आपकी 15 दिन, तो लगभग जो है एक महीने की प्रक्रिया होने वाली है जिसमें आपकी सेकंड और थर्ड लिस्ट जारी हो जाएगी। तो जिनका नंबर नहीं आया, अच्छे नंबर हैं, कॉलेज कम भरी है, उनके चांस है कि सेकंड या थर्ड लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बात रही पीटीटी की। अब जिनको कॉलेज नहीं मिली है, ऐसा तो है नहीं कि वो तैयारी नहीं करेंगे, काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई है, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया है, वीडियो है, उसकी एग्जाम है, अभी एसएससी जीडी की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करें किसी भी एग्जाम की, सीजीएल सीपीओ जीडी या एमटीएस, तो आप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी भारत का नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं प्लस एजुकेटर हूँ। अगर आप अनअकैडमी आप डाउनलोड करते हैं, उस पर नाम सर्च करेंगे अरविंद कुंडारा, तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो आप प्रोफाइल पर जाके फॉलो कर लें, वहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं, तो मेरी प्लस यानी पेड क्लासेज भी होती हैं और जो फ्री स्पेशल क्लासेज है वो भी होती हैं। आज शाम को 8 बजे मेरी फ्री स्पेशल क्लास होने वाली है स्पेशल जीडी बच्चों के लिए त्रिशूल सीरीज नाम से, तो क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। अगर आप पहली बार अनअकैडमी पर जुड़ रहे हैं और आप पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं तो आपसे एक इन्वाइट कोड मांगेगा, वो इन्वाइट कोड है Genuine10 GENUINE10, वो आप लगा देना और 5 से 10 मिनट तक आपको क्लास जरूर लेनी है जिससे कि आप जुड़ पाएं, समझ पाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको वहां पर पढ़ाने वाला हूं। रेगुलर क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।